इस बीच एक और खास मेहमान इस वक्त शो में हमारे साथ मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के सांसद हैं राघव चड्ढा जी, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। राघव जी, बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज के लिए समय निकालने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से विपक्ष के गठबंधन इंडिया की तुलना की है, बल्कि तुलना नहीं की है, बल्कि के शर्मा यहां पर जो मौजूद है वो कह रहे हैं कि साहब वो जिक्र कर रहे थे इस बात का कि जैसे पीएफआई इंडियन मुजाहिदीन अपने नाम में इंडिया लगा देते हैं लोगों को भ्रमित करने के लिए, ये वैसे ही भ्रम फैलाने का काम विपक्षी दलों की तरफ से किया जा रहा है। तो क्या असलियत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया की रख दी है? देखिए, मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहूंगा कि इंडिया को ईस्ट इंडिया अंग्रेजों की कंपनी या आतंकवादियों के इंडियन मुजाहिदीन से ना तुलना करें, बल्कि इंडिया को इस परिप्रेक्ष्य में देखें कि इस देश का नाम इंडिया है, हमारे संविधान का नाम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, हमारी सरकार को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, सरकार के मुखिया को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, हमारी सेना में इंडियन आर्मी है, हमारी वायुसेना में इंडियन एयरफोर्स है, हमारी नेवी को इंडियन नेवी के नाम से जाना जाता है। और ये तो वो सरकार है जिसने स्टार्टअप इंडिया दिया, मेक इन इंडिया दिया, डिजिटल इंडिया दिया, स्किल इंडिया दिया, पढ़ेगा इंडिया दिया, बढ़ेगा इंडिया दिया। आज इनको इंडिया शब्द से इतना परहेज हो गया, इनकी रातों की नींद इंडिया ने उड़ा दी है, क्योंकि ये गठबंधन बन गया जिसका नाम इंडिया है। ये देखकर मुझे लगता है कि आज बीजेपी घबराई हुई है, डरी हुई है, और इंडिया शब्द को सिर्फ या तो किसी आतंकवादी संगठन या अंग्रेजों की लुटेरी कंपनी के परिपेक्ष से ही देख पा रही है। उनका जो विजन है वो कहीं धुंधला होता मुझे नजर आता है। मेरी विनती है भारतीय जनता पार्टी से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, कि इंडिया को इंडिया के परिपेक्ष में देखें। इंडिया एक ऐसे राजनीतिक समूह का नाम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें भारत प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेकअप इंडिया, वो सब बिल्कुल ठीक अपनी जगह। इसी वजह से तो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब इंडियन मुजाहिदीन, ईस्ट इंडिया कंपनी, पीएफआई, मतलब भ्रमित करने के लिए भी इंडिया का दुरुपयोग किया जाता है। तो ऐसे में जो विपक्ष की तरफ से सोचा जा रहा था कि साहब हम 26 दल एक साथ आएंगे, इंडिया अपने गठबंधन का नाम रख लेंगे, तो ये मास्टर स्ट्रोक होगा और किसी तरीके का हमला हम पर नहीं हो पाएगा, सियासी बढ़त हम बना लेंगे, वो नहीं होने वाला। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ये साफ कर दिया? देखिए, सियासी बढ़त किसकी होगी, क्या होगी, रवाना जी, ये तो चुनावों में तय होता है। जनतंत्र है, जनता जनार्दन है, जनता मालिक है। लेकिन ये जरूर है कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। ये वही पार्टी है जो कहा करती थी एक अकेला सब पर भारी, मोदी बनाम ऑल। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी अकेले हैं और दूसरी तरफ समुच्चय विपक्ष है। अब ये चुनाव वो नहीं रहा, अब एक कमजोर एनडीए बनाम एक मजबूत इंडिया चुनाव बन चुका है। और ये वो एनडीए नहीं है जो 2014 या 2019 का एनडीए हुआ करता था। 9 बड़े घटक दल इंडिया एनडीए के एनडीए को छोड़ बाहर हुए हैं। मैं छोटे राजनीतिक दलों की बात नहीं कर रहा, बड़े राजनीतिक दल जिनकी सरकारें थीं या रहीं, सांसद हैं, विधायक हैं, जिसमें पंजाब का शिरोमणि अकाली दल है, बिहार का जेडीयू है, महाराष्ट्र का शिवसेना है, आंध्र प्रदेश का टीडीपी है, ये बड़े राजनीतिक दल हैं जिन्होंने बीजेपी को बाय बाय बोलकर एनडीए छोड़ दिया। और आज जो एनडीए हमारे सामने खड़ा भी है रोमाना जी, आप जानती हैं कितना कमजोर है। ठीक है, कागज पे तो 38 राजनीतिक दल हैं, लेकिन 38 राजनीतिक दलों में से 25 या 26 राजनीतिक दल शायद ऐसे हैं जिनका एक भी सांसद नहीं है। उसमें से 10 राजनीतिक दल एक राज्य तमिलनाडु से आते हैं, कोई 12 एक राजनीतिक दल मात्र नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, कोई जन प्रभाव जन प्रतिनिधियों का राजनीतिक दल नहीं है, कागजी कार्रवाई करी गई है। और लेकिन राघव चड्ढा, इस सब के बावजूद चाहे राज्यसभा सांसदों की बात हो, चाहे लोकसभा सांसदों की बात हो, चाहे देश भर के प्रदेशों में मुख्यमंत्रियों की बात हो, हर मामले में वो जिसे आप कमजोर एनडीए कह रहे हैं वो मजबूत नजर आता है विपक्षी इंडिया वाले गठबंधन से। चलते चलते मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आखिरकार अब जबकि इस तरीके के अटैक्स शुरू हो गए हैं और वो भी एनडीए में टॉप लेवल के नेताओं की तरफ से, काउंटर की स्ट्रैटेजी क्या है आपकी? देखिए, पहली चीज तो यह, मैं आपके इस बयान से सहमत नहीं हूं कि एनडीए मजबूत नजर आता है।
अभी हाल ही में जो चुनाव हुए उनका नतीजा आप देख लीजिए, हिमाचल का चुनाव हुआ भाजपा हार गई, दिल्ली में नगर निगम का चुनाव हुआ भाजपा हार गई, पंजाब में चुनाव हुआ भाजपा हार गई, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश के चुनावों में भाजपा की हालत कितनी पतली है, कर्नाटक का चुनाव भाजपा हार गई, जो जो चुनाव वो जीतते आए थे वो सारे सारे चुनाव तो हारती जा रही है। एक कमजोर राजनीतिक दल बीजेपी आज एक मजबूत एनडीए के सामने खड़ा है, और मेरा आपसे बस यही कहना है कि आज के 2023-24 के लोकसभा चुनाव को आपको 1977 के परिप्रेक्ष्य से देखना चाहिए। उस समय तो एक मजबूत सरकार थी, एक लोकप्रिय विशाल सरकार इंदिरा गांधी जी की, उसको हटाने के लिए जनता के आह्वान पे तमाम राजनीतिक दल साथ आए, जनता पार्टी का एक बैनर बना और उस बैनर के तहत राजनीतिक दल आए और उन्होंने एक मजबूत इंदिरा गांधी जी की सरकार को हटाया और जनता की सरकार बनाई। आज कुछ वैसा ही होता नजर आ रहा है इस देश में, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, राजनीतिक दलों को और जनप्रतिनिधियों को साथ आने के लिए कह रहे हैं और एक इंडिया परिवार नामक एक कुनबा बनता जा रहा है जो आने वाली मोदी सरकार के लिए काल साबित होगा 2024 के लोकसभा चुनाव। बहुत शुक्रिया राघव चड्ढा। तो राघव चड्ढा को सुना आपने, आम आदमी पार्टी के सांसद जो कह रहे हैं काउंटर जनता करेगी अपने आप, क्योंकि जनता जुड़ती जा रही है इंडिया के दलों के साथ। और जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।